हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ब्रश वाला वीडियो मतलब कैसे स्टेटस बनाएं मोबाइल स्क्रीन पे। बताने से पहले अपना इंट्रो दे दूं कि मतलब मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं पवन यूट्यूब फैमिली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्रो। चलते मोबाइल स्क्रीन में। अब आपको मेरा वीडियो देख के आप लोग स्टेप बाय स्टेप मतलब ब्रश वाला वीडियो स्टेटस बना सकते हैं। चलते मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते सबसे पहले तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ गया जिसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर आप लोग ऑलरेडी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद चलते मोबाइल स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। काइन मास्टर ओपन होने के बाद मेरा ओपन हो रहा है। ओपन है थी प्लस पे क्लिक करिएगा, प्लस पे और 16:9 पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद इस पर आप एक अपना या मतलब कोई भी एक्टर का जिस टॉपिक पे मतलब वीडियो बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे एक फ़ोटो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये फ़ोटो ले लिया हूँ। आपको कितना सेकंड का बनाना है मतलब वहाँ से आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे 10 सेकंड का आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बना कर दिखा रहा हूँ। फ़ोटो को यहाँ से बढ़िया से मतलब ये सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद वीडियो में बन रही है, नहीं तो अगर स्किप कीजिएगा तो बना नहीं पाइएगा। चलते मोबाइल फिर इसको एक आपको ब्रश वाला ग्रीन ब्रश का आपको वीडियो चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे इसको ले लूँगा। ले लेने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉपिंग करूँगा। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ से चारों साइड से क्रॉप कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद यहाँ पे बैठा दीजिएगा मतलब जितना हो सके मतलब। ये हो गया मेरा। उसके बाद अब इसको एक्सपोर्ट क्रोमा की में जाएंगे। क्रोमा की में जाने के बाद देखिए पहले बीच मतलब ये ब्रश का मतलब बैकग्राउंड कैसा है उस कलर का। यहाँ पे मेरा पीला है तो मैं साइड में पीला कलर का यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अभी यहाँ जिस टॉपिक मतलब जैसे होगा उस कलर का यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद करने के बाद मैं क्रोमा की में जा रहा हूँ। क्रोमा की में जाने के बाद ओपन हो गया है। एक बार इधर से इधर पूरा मतलब सही कर लीजिएगा। उसके बाद सही पे टिक करने के बाद इसको वीडियो को शेयर पे कर के एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद ये वीडियो सेव। उसके बाद बैक पे आइएगा। बैक पे आने के बाद यहाँ पे फिर 16:9 का सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे जाइएगा। एक ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड कोई सा भी ले लीजिएगा। यहाँ से रेशो जितना सेकंड का आपका वीडियो है उतना सेकंड बढ़ा लीजिएगा। मेरा 10 सेकंड का वीडियो है, ये 10 सेकंड हो गया। उसके बाद मैं वही जो वीडियो एक्सपोर्ट किया हूँ अभी उसको यहाँ पर ले लूँगा। ले लेने के बाद यहाँ पर इसको बीच वाले अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे पूरा फुल कर लीजिएगा। फुल करने के बाद फिर इसी वीडियो पे क्लिक करके क्रोमा की को इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद ये हो गया इनेबल। उसके बाद जो जिस कोई भी वीडियो डांस वगैरह कोई भी रखे हैं जिस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं उसका तो आपको वीडियो होना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको इसी वीडियो पर बना रहा हूँ तो यहाँ से इस पे लाके एक बार यहाँ से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बबाद वीडियो पे फिर क्लिक करिएगा। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके सेट टू बैक पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सही पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए
देखिए मेरा वीडियो बन गया है, आप इसी तरह का मतलब वीडियो बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।